वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। ओके, कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं गिलवान रिएजेंट। ओके, बैक क्लास में गिगनार्ड डिस्कस किए थे। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है, राइट डाउन, क्या होता है, अन टू फॉर्म अन सिमेट्रिकल अल्केन्स। ओके, अल्केन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस में CH, CHS शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मेशन आपको अल्केन्स का। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं गिलमान, ठीक है, गिलमान सी एजेंट। ओके, कोरे हाउस सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। ओके, क्या होता है, दो अल्काइल और कॉपर, ठीक है, कॉपर और लिथियम के साथ यदि अटैच कर दें इस तरह से, कॉपर है और लिथियम के साथ दो अल्काइल ग्रुप, इसको मतलब क्या बोलते हैं, कुली, ठीक है, कुली, कुली के साथ अटैच कर दिए आपको दो अल्काइल ग्रुप, और क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो हमारा क्या बन जाएगा, गिलमान रिएजेंट। ओके, शॉर्ट ट्रिक, आपको कुली, ठीक है, कुली में कॉपर और लिथियम के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, गिलमान रिएजेंट। ओके, R2CuLi, ठीक है, कॉपर के, कॉपर और लिथियम के साथ दो, कॉपर के साथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि देख लो कॉपर का वैलेंसी होता है +2, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जब इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे तो कॉपर दो अल्काइल ग्रुप। ओके, तो हमारा क्या बन जाता है, गिलमान रिएजेंट। राइट डाउन, नो एनी प्रॉब्लम। क्या था, कोरे हाउस सिंथेसिस, रिपीट दैट, अनसिमेट्रिकल अल्केन में बनता, क्या बनाता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में 3 रहेगा, 5 रहेगा या 7 रहेगा, ऑड नंबर का कार्बन, ठीक है, कट करेंगे बॉन्ड को तो हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, लेफ्ट एंड राइट, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। ओके, गिलमान्स, जब कॉपर कुली शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कुली, कुली के साथ दो अल्केन, दो अल्काइल ग्रुप जो अटैच करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी, तो हमारा बनता है गिलमान रिएजेंट, याद रखना है, कुली के साथ दो अल्काइल ग्रुप। ओके, राइट डाउन, नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ अल्केन। ओके, प्रिपरेशन, क्या होता है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, ओके, किसके साथ, लिथियम मेटल के साथ, लिथियम मेटल, क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ लिथियम मेटल। ओके, लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ओके, ड्राई इथर, देन अल्काइल हैलाइड
converted into alkyl lithium. Okay, alkyl lithium compound. ओके देखो क्या कहता है, अल्काइल हाइड्रेट को ट्रीट करते हैं लिथियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या मिलता है, अल्काइल हाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है आपको अल्काइल लिथियम में, दिस इज कॉल्ड ओके गिलेमांस. ओके प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आपको, जैसे देखो क्वेश्चन, जैसे देखो CH3Br प्लस लिथियम दो मोल ले लो, किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर, कोई दिक्कत तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है कन्वर्ट हो जाता है आपको अल्काइल लिथियम, कोई दिक्कत तो हमारा हो जाएगा CH3Li प्लस LiBr, कोई दिक्कत हाँ. देख लो ये क्या है, अल्काइल हेलाइड है, क्या होता है अल्काइल हेलाइड, रिएक्ट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई एथर के प्रेजेंस में, ठीक है किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं आपको लिथियम के साथ, कोई दिक्कत तो एक हमारा बना देगा क्या, एक्सचेंज कर देंगे लिथियम ब्रोमीन के जगह पे लिथियम, तो CH3Li ओके प्लस LiBr अल्काइल लिथियम. ओके ये आपका हो गया अल्काइल लिथियम. ओके ये आपका प्रिपरेशन हो गया, राइट डाउन. नेक्स्ट गिलमांस रिएजेंट. ओके गिलमांस रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल लिथियम, ठीक है अल्काइल लिथियम कंपाउंड मेन रिएक्टेड विथ ओके क्यूपरस, क्यूपरस ओके क्यूपरस हेलाइड, ठीक है कॉपर के साथ है, ठीक है हेलाइड ग्रुप हेलोजन. ओके इट फॉर्म्स डाई अल्काइल. ओके इट फॉर्म्स लिथियम, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट. ओके क्या करते हैं अल्काइल लिथियम को, ठीक है किससे रिएक्ट करवाते हैं, क्यूप्रस हेलाइड. ओके क्यूप्रस हेलाइड कॉपर के साथ ब्रोमीन आयोडीन ओके क्लोरीन कोई भी रहेगा. ओके कॉपर के साथ क्यूप्रस हेलाइड तो क्या बनता है हमारा,
लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, इस तरह से आपको बन जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल, अल्काइल लिथियम है, कोई दिक्कत किसके साथ? कॉपर और कॉपर हैलाइड, ओके, किसके प्रेजेंस में? ड्राई इथर, नो नो, क्या हमारा बनता है? कॉपर लिथियम और दो मिथाइल, ओके, आपको ये बनेगा। कैसे? देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे मेटल है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो क्या हमारा बनेगा? CH3 माइनस और Li प्लस, कोई दिक्कत? Li प्लस होगा, ठीक, इसको तोड़ो, एक है कॉपर, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें प्लस चार्ज, कोई दिक्कत? आयोडीन निगेटिव, कोई दिक्कत? क्या हमारा बनाना है? अब देखो कॉपर है, कॉपर के साथ ये ज्वाइंट हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, कोई दिक्कत? कॉपर के साथ अल्काइल ग्रुप क्या होगा? इस तरह से कॉपर, देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दो आएगा, दो मिथाइल और आपका लिथियम, ठीक है, यही तो प्रोडक्ट हुआ आप, कोई दिक्कत? प्लस लिथियम आयोडीन, को दिक्कत? इसमें कुछ नहीं, देखो क्या अल्काइल लिथियम, ठीक है, अल्काइल लिथियम आपको रिएक्टेड किससे कर रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड से, क्यूप्रस हैलाइड, ओके, हैलाइड, इसमें कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी, ओके, और आपको क्या हो गया? मैकेनिज्म देख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, मेटल पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत? इसके पास कॉपर है, क्या होगा? कॉपर दो पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, कोई दिक्कत? तो आपको दो अटैच करेगा, ठीक है, आपको ये हो गया कूली, कूली के साथ आपका कूली, याद रखना है, कूली के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, उसको बोलते हैं आपको गिलेमान रिएजेंट, ठीक है, गिलेमान रिएजेंट, को दिक्कत? प्लस आपका प्रोडक्ट लिथियम आयोडाइड, ओके, प्लस माइनस प्लस नहीं करेगा ना, को दिक्कत? क्यों, पॉजिटिव डबल है, तो दो अल्काइल, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, ओके, अब बस लिथियम एजिट रहेगा, कोई दिक्कत? कूली के साथ आपको दो अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप लगा देना, उसको हम बोलेंगे गिलेमान्स रिएजेंट, ओके, ये आपका ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट है कोरे हाउस सिंथेसिस, नो एनी प्रॉब्लम, कोरे हाउस सिंथेसिस, नेक्स्ट कोरे हाउस सिंथेसिस, ओके, क्या बनाता है इसमें? अनसिमेट्रिकल एल्केन, को दिक्कत? टू मेक ऑड
टू मेक ऑड नंबर ऑफ कार्बन. ओके ऑड एंड अनसिमेट्रिकल को दिक्कत हल्के क्या बनाता है पॉइंट दैट ऑड एंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. ओके जैसे एग्जांपल देखो फर्स्ट CH3 CH2 CH3 को दिक्कत ऑड नंबर है कितना नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 थ्री नंबर ऑफ कार्बन देख लो कहीं कोई बॉन्ड को काटो एनी बॉन्ड को काटे इधर एक कार्बन है इधर वन कार्बन इधर दो कार्बन अनसिमेट्रिकल है इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल ऑड एंड अनसिमेट्रिकल को दिक्कत अनसिमेट्रिकल. देखो सेकंड एग्जांपल आपको CH3 CH2 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 CH3 कहीं से कट करना है कोई दिक्कत कितना है ऑड नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कितना है ऑड नंबर कहीं से कट करो कहीं से भी कट कर लो यहीं से हम कट कर देते हैं तो इधर कितना हुआ 3 कार्बन इधर आपका 2 कार्बन क्या अनसिमेट्रिकल है कोई दिक्कत एक जैसा नहीं है कट किए तो एक जैसा नहीं ना दिखा इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन ऑड नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा ये आपका कोरेहाउस सिंथेसिस को दिक्कत थर्ड देखो CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ओके तीन दो ही होगा ठीक है चलो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है ऑड हो गया कहीं से कट करिए कट करिए इधर कितना हो गया 3 कार्बन इधर 2 कार्बन क्या कह सकते हैं ऑर्डर अनसिमेट्रिकल कोई दिक्कत एक जैसा नहीं है इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन नेक्स्ट एग्जांपल सारा दे रहा है ठीक है क्या करता है सो ये सब आपका पूरे हाउस सिंथेसिस. ओके जैसे देखो नेक्स्ट लास्ट CH3 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 को दिक्कत इसको बताइए देखिए कहीं से कट करो इधर कितना 1 कार्बन इधर 1 2 3 4 4 कार्बन 5 कार्बन का है अनसिमेट्रिकल एंड ऑड को दिक्कत राइट डाउन पूरे हाउस सिंथेसिस कहता है कि आप अल्केन जो बनेगा ऑड एंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए ऑड मीन्स वन सो वन तुम होगा नहीं आपको 3 5 7 9 7 9 ओके 11 ठीक है और होना चाहिए जब बॉन्ड को काटेंगे तो हमारा अनसिमेट्रिकल ओके जस्ट लाइक मिरर. ओके इधर देखो 2 कार्बन 1 कार्बन इधर देख लो 2 कार्बन 3 कार्बन ऑड है अनसिमेट्रिकल. इसमें भी देखो 2 कार्बन 3 कार्बन ऑड है अनसिमेट्रिकल 1 कार्बन 3 कार्बन क्या है ऑड एंड अनसिमेट्रिकल. एनी प्रॉब्लम राइट डाउन आपका कोरेहाउस सिंथेसिस. गिलमान में याद रखना है कूली के साथ कूली कॉपर मीन्स लिथियम के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे गिलमान रिएजेंट. ओके ओके बस उसका डिफिनेशन याद रखना है क्या होता है गिलमान ठीक है ना हमेशा याद रखना है कूली यहाँ कूली लिख देना है ठीक है कूली के साथ 2 अल्काइल ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप ठीक है अल्काइल ये भी अल्काइल ठीक है ये आपका क्या हो गया गिलमान गिलमान्स को दिक्कत ये आपका गिलमान्स हो गया. ओके राइट डाउन चलिए नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोरेहाउस सिंथेसिस क्या कहता है आपको जो अल्केन बनाएगा क्या बनाएगा ऑड रहेगा नंबर ऑफ कार्बन और अनसिमेट्रिकल. ओके नेक्स्ट इसको करता है कि नहीं फिफ्थ नंबर देखो
चलिए बताइए ये शो कर रहा है कि नहीं कोरे हाफ सिंथेसिस। देख लो कहीं से कट करो, मान लो कहीं से इस मोड को काटते हैं, देखो इधर कितना कार्बन है, एक दो तीन, इधर तीन कार्बन हो गया, इधर एक दो कार्बन, कोई दिक्कत क्या है? ऑड है, ऑड है एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है ना, ओनली सिंगल बॉन्ड, क्या अल्केन, कोई दिक्कत? क्या शो करेगा? कोरे हाउस सिंथेसिस, नहीं प्रॉब्लम, कोरे हाउस सिंथेसिस। आपको जो कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, ऑड होना चाहिए, सबसे पहले ऑड होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर ऑफ कार्बन ऑड, और कट करें कहीं से भी कट करो, देख लो हम कट बीस से कट किए तो इधर एक दो तीन कार्बन, कितना है, एक दो तीन कार्बन इधर है, इधर एक दो, किट को दिक्कत, अनसिमेट्रिकल, दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, टू मेक प्रोपेन, ओके, मतलब सी एच प्रोपेन का फॉर्मूला हुआ सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, कोई दिक्कत? अब चलो इसमें ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें देखेंगे बनाने का तरीका, ट्रिक कहीं से भी कट करिए इसको, कहीं से भी कट कर दीजिए, ठीक है, कहीं से भी कट कर, ट्रिक पहले देखना है, ओके। इसमें ट्रिक देखो, फर्स्ट कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, कोई भी बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, एनी बॉन्ड, हम इसको तोड़ दिए कोई दिक्कत। अब चलो सेकंड क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, एक पार्ट से गिलेमान रिएजेंट, ओके, एक पार्ट से गिले, ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत? एक पार्ट से आपको वह एक पार्ट से कोई भी एक पार्ट से गिलेमान रिएजेंट बनाना है, ओके, और दूसरे पार्ट से क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड, ओके, क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाओ। चलिए आपको यही याद रखना है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, एक पार्ट से कोई भी एक पार्ट से एनी वन, कोई दिक्कत, एक पार्ट से आपको किस पहले सबसे पहले किसी को ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ब्रेक करना है, किसी बॉन्ड को एक को ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आपको हो गया फर्स्ट और ये टू, कोई एक पार्ट से आप क्या बनाना है, गिलमान, गिलमान मतलब कुली, कॉपर और लिथियम, क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉपर और लिथियम कुली, शॉर्ट ट्रिक कुली, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, दो अल्काइल ग्रुप, हमको वन इसको इससे बना रहे हैं, कोई दिक्कत, इससे आ गया क्या, इथाइल है, CH2, CH3, कोई दिक्कत, गिलेमान हो गया, ये आपका गिलेमान, कोई दिक्कत, ये गिलेमान हो गया, प्लस दूसरा क्या, दूसरे पार्ट से क्या, इसके साथ है कोई भी हैलोजन, ठीक है, कोई सा भी, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन कोई सा भी, तो हम ले लेते हैं आपका क्लोरिन, कोई दिक्कत, आपको क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, यही हुआ आपका, कोई भी बॉन्ड से ब्रेक करो कोई बॉन्ड को, ठीक है, एक पार्ट से ग्लिमान रिएक्ट बनाओ, दूसरे से अल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत यहाँ हो गया को चलो अब क्या प्रोडक्ट होगा आपको बनाना है प्रोपेन, ठीक है। इस देखो यहाँ अब इसको से दोस्ती करा दो, कोई दिक्कत, ये दोनों को अटैच कर दो एक साथ, तो क्या हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि हमको बनाना है आपको प्रोपेन, ठीक है। इस दोनों को दोस्ती करा दिए, कोई दिक्कत, तब इसके पास क्या बच गया आपको, ये आपका हो गया प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, कोई दिक्कत। अल्काइल हैलाइड से लिए, एक और कुली से लिए, एक अल्काइल को दोनों को ज्वाइंट कर दिए, ठीक है, दोनों को दोस्ती करा दिए, तो आपको बन गया प्रोपेन, ओके। ठीक है, अब प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपको बच गया ये CH3 CH2 कॉपर, कोई दिक्कत, प्लस आपको बच गया लिथियम और क्लोरीन आपको, कोई दिक्कत, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। मेनली हमको क्या बनाना था, प्रोपेन, ठीक है। क्या होता है जी गिलमान, क्या होता है, कुली के साथ दो अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल भी ले सकते थे, कोई दिक्कत, इसके साथ भी बना सकते, देख लो यहाँ भी एक मान लीजिए इसके साथ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, देख लो यहाँ कुली पहले लिखेंगे कुली, कोई दिक्कत, इसके साथ दो किसी के साथ बना दो, कोई दिक्कत, प्लस दूसरे से अल्काइल हैलाइड CH3 अभी BR लेते हैं, कोई दिक्कत, अब हमारा क्या दूसरे से दूसरा बचा CH2 ना, दूसरा बच गया आपको CH3 CH2 BR, कोई दिक्कत, अब ये दोनों को दोस्ती करा दो इससे दोनों के एक साथ, तो क्या हमारा बन गया प्रोपेन, क्या बन गया CH3 CH2 CH3, ये आपका बन गया प्रोपेन, यही तो है, आप बाकी लिख दो, अब जो बचा प्लस CH3 कॉपर प्लस LiBr, यही ना प्रोडक्ट बनता है गिलमान का, नो इन प्रॉब्लम। कुप्रस अल्काइल एंड लिथियम ब्रोमाइड, को दिक्कत, कुछ नहीं करा, किसी बॉन्ड को तोड़ना है कहीं से भी, ठीक, एक पार्ट से हम बना दिए कुली के साथ क्या कर दिया, एक को अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया, ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, दूसरे को अल्काइल हैलाइड इसके साथ मिथाइल के साथ हम कोई भी ले लिए क्लोरीन क्लोरो ब्रोमीन आयरन कोई भी ले लें, कोई भी को अटैच कर दिए, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, ओके। अब देखो अभी दोनों को हमको बनाना है प्रोपेन, अब नंबर ऑफ कार्बन कितना, प्रोपेन 3 कार्बन, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से दोनों को अटैच कर दोस्ती कराया तो आपका बन गया प्रोपेन, मेनली प्रोडक्ट आपको यही बनाना है, शेष बच गया आपको ये अल्काइल क्यूप्रस अल्काइल बन गया, ओके, प्लस लिथियम क्लोरीन को एक साथ, दिस इज कॉल्ड गिलमान रिएजेंट। राइट डाउन, चलिए नेक्स्ट, हमेशा याद रखना है गिलमान को, ठीक है, कुली मीन्स कॉपर और लिथियम के साथ, कॉपर लिथियम के साथ दो अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, ओके, दिस इज गिलमान रिएजेंट, मेनली वही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नोट में लिखिए, ठीक है,
फर्स्ट कोरे हाउस सिंथेसिस इज ए एसएन टू रिएक्शन को दिक्कत एसएन टू आएंगे इसको रिएक्शन में समझ में आपको डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ओके कोरे हाउस क्या होता है एसएन टू रिएक्शन सेकंड सो अल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी थ्री डिग्री ओके टर्शियरी नहीं होना चाहिए थ्री डिग्री ओके थर्ड एसएन टू जो रिएक्शन होता है आपका प्राइमरी का ज्यादा होता है प्रायोरिटी देन सेकेंडरी ओके याद रखना है टर्शियरी तो नहीं करता है आपका टर्शियरी याद रखना है अल्काइल हैलाइड टर्शियरी को आपको क्या एसएन टू में टर्शियरी डिग्री आपको नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं ओके आपको प्राइमरी देखना है और सेकेंडरी ओके सो ज्यादा प्राइमरी कौन सा आपको अल्काइल हैलाइड ओके चलिए चलिए क्वेश्चन करिए टू मेक आपको बनाना है आपको सी एच थ्री आपको पेंटेन बनाना है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ठीक है आपको पेंटेन बनाना है ओके चलो क्या करेंगे ब्रेक करेंगे बीस से ब्रेक करो इधर कितना है दो कार्बन एक या थ्री कार्बन को दिक्कत एक से कूली पहले लिख दो कूली एक के साथ क्या जाएगा किसी एक को करो को दिक्कत सी एच थ्री सी एच टू इथाइल सी एच थ्री सी एच टू को दिक्कत प्लस इसके साथ है अल्काइल हैलाइड बनाओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू तीन कार्बन है इसके साथ कुछ भी जोड़ दो मान लेके ब्रोमीन जोड़े कोई दिक्कत ब्रोमीन ये हो गया आपका गिलमान ये क्या हो गया गिलमान ये हो गया गिलमान कोई दिक्कत अल्काइल के साथ किसी एक को कोई किसी इसी को लाता कोई दिक्कत नहीं किसी एक को लाए आपको बन गया गिलमान ये बन गया अल्काइल हैलाइड क्या बन गया अल्काइल हैलाइड आपको क्या बनाना है आपको बनाना है प्रोपेन सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन पेंटेन बनाना है तो क्या करेंगे इसको दोस्ती कराएंगे इससे कोई दिक्कत तो क्या दोस्ती करा दो क्या नहीं बॉन्ड बॉन्ड बना दिया क्या प्रॉब्लम हो गया क्या हो गया आपका बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सॉरी सी एच टू पाँच बन गया पेंटेन अब क्या बचा प्लस सी एच थ्री सी एच टू कॉपर कोई दिक्कत अल्काइल कोई दिक्कत प्लस एल आई बी आर बन गया लिख लो यही तो प्रोडक्ट है आपका हमको फाइनली क्या बनाना था पेंटेन बनाना था कहीं से कट करिए कोई दिक्कत कहीं से कट करिए सारा वन डिग्री कार्बन है वन डिग्री ये भी आपका वन डिग्री है क्योंकि वन कार्बन से अटैच है ये भी वन डिग्री कोई दिक्कत किसी एक को बनाए कुली को बैठाए कुली के साथ दो इथाइल ले आया अटैच कर गया कोई दिक्कत प्लस क्या अल्काइल हैलाइड जिससे एक पार्ट से बनाना है आपको गिलेमान दूसरे से अल्काइल हैलाइड इसके साथ क्या ब्रोमीन किसी के को लाए अल्काइल हैलाइड बन गया ठीक है अब क्या दोनों को दोस्ती कराए इथाइल और इसको तो बन गया हमारा पेंटेन कोई दिक्कत पेंटेन बन गया अब शेष बचा क्या इथाइल और कॉपर कुप्रस अल्काइल कोई दिक्कत शेष आपको लिथियम हैलाइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कोरिया सिंथेसिस का है, व्हाट आर द स्टेप्स ओके इन मेकिंग, कोई दिक्कत जैसे देखो CH3, CH2, CH3 आपको बनाना है ओके। चलो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ये देख लो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन ब्रेक करेंगे, कोई दिक्कत, एक से गिलमान बनाओ कॉपर, कोई दिक्कत, कुली कुली के पास बैठा दीजिए, ये 1 पार्ट 2 पार्ट कोई दिक्कत, सेकेंडरी कहाँ जाएगा आपको, गिलमान के पास, क्या हो जाएगा हमारा CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 कोई दिक्कत, प्राइमरी से क्या बन जाएगा हमारा, प्राइमरी से क्या क्लोरीन रख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, इसको और इसको दोनों को एक साथ अटैच कर दीजिए, तो क्या हमारा हो गया CH CH3 CH3 को दिक्कत और CH2 CH3 को दिक्कत, फिर क्या बच गया, ये कॉपर इस तरह से CH3 CH3 CH है कॉपर को दिक्कत प्लस LiCl, यही तो आपको प्रोडक्ट बनाना था, कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, फर्स्ट से गिलमान बनाया कोई दिक्कत, सेकंड से अल्काइल हैलाइड और दोनों में से आपको ये 3 कार्बन इस 2 कार्बन से लिए आपको 5 कार्बन का आपको चेन आपको बन गया, कोई दिक्कत, दिस प्रोडक्ट विल बी अल्केन, राइट डाउन। टाइम बोलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेप्स ओके इन मेकिंग ऑफ CH3 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 को दिक्कत। चलिए देख लो CH3 ये आपको देख लो कट किया, यहां से कट करना है, कट करना है, ये क्या ना 1 डिग्री, ये कितने कार्बन थे 1 2 3 कट, काटने के बाद देखना ओके, कट किए तो आपको 3 डिग्री को दिक्कत। अब बोलो एक से गिलमान, एक पार्ट से गिलमान बनाना है, दूसरे से अल्काइल हैलाइड ठीक, कोई दिक्कत, एक पार्ट से गिलमान बनाओ, 1 पार्ट से ए 1 पार्ट 1 पार्ट और एक का सेकंड पार्ट को दिक्कत, फर्स्ट पार्ट से आपको क्या गिलमान बनाना है, तो क्या आपको अल्काइल हैलाइड में क्या टर्शियरी तक नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी तक होता है अल्काइल हैलाइड में, ये क्या जाएगा, क्या जाएगा अल्काइल हैलाइड के पास, ये जाएगा कुली के पास, कोई दिक्कत, कुली पहले लिख लो कुली CU कॉपर और लिथियम मिला के कुली, याद रखना एग्जाम में क्या बनेगा, इसके साथ क्या आता है, इसके दोस्ती करेगा 2 आपको अल्काइल ग्रुप, इसके दोस्ती करेगा 2 अल्काइल ग्रुप,
तो क्या है जो टर्शियरी, अब क्वेश्चन उठेगा कि ये क्यों ना लाएंगे, क्यों, क्योंकि एस एन टू में आपका ये होता है ना कि आपको प्राइमरी, ओके आपको प्राइमरी जाएगा किसके साथ जाएगा, जाएगा अल्काइल हैलाइड के पास, ओके टर्शियरी उसमें नहीं होता है, नॉट मिक्स, ओके अल्केम। तो आपको यहाँ पर लिख लो CH3 और CH3 को दिक्कत, CH3 को दिक्कत प्लस इससे अल्काइल हैलाइड बनना है CH3 आयोडीन लेते हैं को दिक्कत। अब चलो दोस्ती कराओ, इसको दोस्ती कराओ इससे को दिक्कत, दोनों से बॉन्ड बनाओ, क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो यहाँ से CC को दिक्कत है, ये आपका मिथाइल ही ना बनेगा, CH3 को दिक्कत यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा CH3 और आपका CH3 प्रोडक्ट बन गया, दिस प्रोडक्ट को दिक्कत प्लस बच गया ये, और ये कॉपर अल्काइल कुप्रस कॉपर जोड़ दो यहाँ से को दिक्कत, इसको और इसको ले लिए, ये और ये आपको ले लिए को दिक्कत, CH3 प्लस क्या बच गया है लिथियम और आयोडाइड को दिक्कत, आपको क्या हो गया बन गया फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। कोरे हाउस सिंथेसिस कहता है फर्स्ट पार्ट से आपको गिलमान बनाना है, सेकंड पार्ट से अल्काइल हैलाइड ओनली प्राइमरी, ओके प्राइमरी और सेकेंडरी नॉट टर्शियरी, इसमें टर्शियरी है तो किसके साथ जाएगा गिलमान के साथ, ओके यदि प्राइमरी सेकेंडरी है तो क्या हाँ सेकेंडरी जाएगा गिलमान के साथ और प्राइमरी जाएगा वो आपको इसके साथ, आपको अल्काइल हैलाइड का क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको अल्केन बनेगा को दिक्कत और क्यूप्रस अल्काइल एंड लिथियम आयोडाइड, दिस इज कॉल्ड कोरे हाउस सिंथेसिस। कुछ भी नहीं करना है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन रहेगा काउंट कर लेना पहले 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, ब्रेक किए अनसिमेट्रिकल, इधर 3 कार्बन है इधर 1 कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्केन कोरे हाउस सिंथेसिस। यदि ये इवन रहेगा तो प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते हैं, ओके यदि हमारा इवन कार्बन रहेगा तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा आपको नो प्रोडक्ट, ओके या नन ऑफ दीज। पहले क्या करना है, पहले आपको प्रिपरेशन करने से पहले आपको ठीक ना अल्केन का प्रिपरेशन करने से पहले आपको काउंट कर लेना कि नंबर ऑफ कार्बन ऑड है कि नहीं, ऑड है तो ठीक है बट उसके पास सिमेट्री हो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, देख लो जितना भी क्वेश्चन किए कट करो वो दिक्कत। तो एक पार्ट से बनाना है आपको कुली मीन्स गिलमान, कुली कॉपर और लिथियम को सीधे पढ़ना है कुली हिंदी भाषा में कुली, अब उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप आएगा, एनी अल्काइल ग्रुप देख लो ठीक है, अब इसमें दो है किसी को कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन में रहेगा प्राइमरी की टर्शियरी, ठीक है तो टर्शियरी तो हम लिखा चुके हैं आपको कि अल्काइल हैलाइड में नहीं बनाता है प्रोडक्ट, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके तो टर्शियरी चला जाएगा आपको गिलमान के पास मतलब कुली के पास, प्रोडक्ट हमारा दे देगा एक नहीं दो प्रोडक्ट जाएगा, ओके क्योंकि बीकर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बीकर में बहुत सारा रहता है आपको अल्काइल ग्रुप लिथियम आयोडाइड बहुत सारा रहता है कोई दिक्कत, क्योंकि बीकर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ओके तो लाखों रहता है कोई दिक्कत, करोड़ों से कोई दिक्कत तो बहुत सारा रहता है, ठीक है तो दो अल्काइल आ गया आपके पास कुली के पास तो हमारा बन गया गिलमान, दूसरा अल्काइल है ठीक है, दोनों से दोस्ती करा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट अल्केन आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत। शेष जो बचा जो आपको अल्काइल कॉपर और लिथियम आयोडाइड, ओके कोरे हाउस सिंथेसिस में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट डाउन। चलें नेक्स्ट, आपको गिलमान को रहा तो दिक्कत कोई दिक्कत इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रहता है, ओके
चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, कोई दिक्कत? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बताइए क्या होता है ये, इसको पैराफिन बोलते हैं, ये होता है अनरिएक्टिव, ठीक है, अनरिएक्टिव होता है, बहुत मतलब रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं, अनरिएक्टिव, स्लो। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मीन्स इसके पास क्या रहेगा, जीरो पाई, ठीक है, इसके पास डू नॉट पाई बॉन्ड, इसके पास रहता है ओनली सिग्मा बॉन्ड, को दिक्कत? सिग्मा के पास हाई एनर्जी रहता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, इसको एनर्जी रिक्वायर करेंगे तो, पाई बॉन्ड के पास कम एनर्जी रहता है, लेस एनर्जी, को दिक्कत? इसको पैराफिन से बोलता है, इसको क्या बोलते हैं एल्केन को, पैराफिन, को दिक्कत? ये हमारा लेस रिएक्टिव एल्केन क्या होता है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, जब इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको अनरिएक्टिव, पैराफिन, ठीक है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड कंटेंट, ठीक है, पाई बॉन्ड रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, अनसैचुरेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ओके, डिस्कस करेंगे, ओके, चलो राइट डाउन नोट में लिखें, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड होता है जो बहुत वीक होता है, सो इसको आसानी से तोड़ते हैं, सो इट्स ब्रेक इजिली, कोई दिक्कत? एंड रिएक्शन अकर्स बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, को दिक्कत? पाई बॉन्ड होता है बहुत कमजोर होता है, बहुत आसानी से इसको तोड़ते हैं, इसलिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाइम बोलो 49। चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हियर सी दैट अल्केन से क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी जीरो, एंड ब्रेकिंग ऑफ नॉन पोलर, ओके, नॉन पोलर रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ओके, जैसे देखो एग्जाम्पल, सी हाइड्रोजन 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 कार्बन, ठीक है, देख लो ये कार्बन, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे हम कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन का जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, तो क्या हम कह सकते हैं इसको नॉन पोलर, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखो, जैसे कार्बन 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 का इसका इलेक्ट्रॉनिविटी कितना था 2.5, इसका भी 2.5, तो क्या कह सकते हैं 2.5, तो डेल्टा एन क्या आ गया आपको 2.5 माइनस 2.5 इक्वल टू जीरो, तो क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं नॉन पोलर, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए सी और एच में देखो, इसका
2.5 इसका होता है 2.1 उसका होता है 2.1 डिफरेंस कितना आ गया आपका 0. इसका डेल्टा एन निकालेंगे तो 2.5 माइनस 2.1 कितना होगा 0.4 इसको 0 मानते क्या मानते हैं अप्रोक्सीमेट 0 को दिक्कत 0 इसको भी बोलेंगे नॉन पोलर को दिक्कत सारा क्या है कंपाउंड आपका नॉन पोलर ठीक है इस बॉन्ड को भी तोड़े तो आपको नॉन पोलर ठीक है इसलिए लिखा है इसको भी तोड़ेंगे तो नॉन पोलर इसको भी तोड़ेंगे तो आपको बिकॉज डेल्टा एन विल बी जीरो जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर अब जब कब बोलेंगे जब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या बोलेंगे पोलर जैसे एग्जांपल में देखो कार्बन और क्लोरीन को दिक्कत इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है इसका आपका इसका 3 होता है 3.0 इसका 2.5 कितना हो जाएगा डेल्टा एन हो जाएगा 3 माइनस 2.5 तो आ जाएगा आपको 0.5 नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या कहेंगे इसको पोलर और नॉन पोलर कोई दिक्कत इसलिए कहते हैं इसमें क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कोई दिक्कत लेस पोलर और नॉन पोलर समझना ठीक है जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो रहेगा तो उसको कहेंगे नॉन पोलर ओके नॉट इक्वल टू जीरो दो आइटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जीरो नहीं होगा तो उसको बोलेंगे पोलर आपको डाटा सारा लिखा चुके हैं कोई दिक्कत देखो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन है तो इसमें क्या इसको मान लेंगे हाइड्रोजन दोनों का डिफरेंस जीरो अप्रोक्सीमेटली 0.4 आया है तो इसको अप्रोक्सीमेट जीरो मानेंगे ठीक है तो क्या होता है ये नॉन पोलर ओके नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर पूरा सिस्टम क्या हो गया नॉन पोलर ओके एल्केन में क्या होता है नॉन पोलर राइट डाउन फर्स्ट जीएससी में पढ़ चुके हैं ना मान लीजिए जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन लिए कार्बन और ब्रोमीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव मोर लेस पॉजिटिव यही करते थे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कार्बन में प्लस और इसमें प्लस बी आर माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को डिवीड कोई दिक्कत परसेंट चार्ज डेवलप होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कोई दिक्कत इसका इलेक्ट्रो डेल्टा एन क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं इसको पोलर कोई दिक्कत फिलहाल ये आपको जो कंपाउंड एल्केन है आपका ये नॉन पोलर है ओके जब नॉन पोलर है तो आपको क्या बॉन्ड जो टूटेगा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा कोई दिक्कत फ्री रेडिकल रिएक्शन राइट डाउन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव ओके अल्केन्स क्या होता है जनरली अनरिएक्टिव बट इसको एक्स्ट्रा एनर्जी अफोर्ड करते हैं ठीक है बट इफ एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक है एनर्जी देते हैं ठीक है बट इफ एक्स्ट्रा बट इफ वी गिव इनर्जी ओके इनर्जी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन। क्या करता है जनरली क्या होता है अनरिएक्टिव, जब उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो वो क्या बॉन्ड ब्रेक करता है आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसे इस तरह से आपको ये को दिक्कत इस तरह से है, हाइड्रोजन 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 किसी को तोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा इस तरह से फ्री रेडिकल को दिक्कत, एक यही बनता है आपको जब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो तब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, ये दो फ्री रेडिकल है बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपका ये फ्री रेडिकल देखिए तब जब हम जब एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। आपको तो ये क्या है आपको पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो हम क्या एक्स्ट्रा एनर्जी दिए तो आपको ये ब्रेक किया, तो ब्रेक किस फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल में, ओके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ओके। नेक्स्ट alkanes are saturated, okay, only sigma bond, saturated means only sigma bond and saturated compound so free radical, okay, क्या शो करेगा free radical substitution। अल्केन्स क्या होता है सैचुरेटेड मीन्स मतलब इसके पास पाई बॉन्ड नहीं होता, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओके ओनली सिंगल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, ओके ओनली सिंगल बॉन्ड, तो क्या जो बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके राइट डाउन। अल्केन्स क्या होता है थ्री टाइप्स ऑफ अल्केन्स आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके कौन कौन होता है, पहला नाइट्रेशन, सेकंड सल्फोनेशन, सॉरी फर्स्ट हैलोजिनेशन, हेलोजिनेशन को दिक्कत, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, एक एक करके डिस्कस करेंगे को दिक्कत। एक होता है हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री रेडिकल को दिक्कत, ये आपका अल्केन्स का प्रॉपर्टी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेलोजिनेशन राइट डाउन, ये आपका प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन, फर्स्ट आपका हेलोजिनेशन, ओके चलो क्वेश्चन से आते हैं। मीथेन और क्लोरीन HNU मतलब एनर्जी दिए, ठीक है, सनलाइट को दिक्कत और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। जब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब ना आपका अल्केन टूटेगा को दिक्कत, अल्केन्स में ओनली सिग्मा बॉन्ड, जब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे HNU मीन्स लाइट को दिक्कत एनर्जी, ठीक है, सनलाइट, ओके आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रेजिएंट के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी। तो हमारा क्या बनेगा, एक क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन को निकालो और उसके बदले क्लोरीन को बैठा दो उसके पास, क्या करें इसके पास, तो क्या हमारा बनेगा CH3Cl प्लस HCl बनेगा, कोई दिक्कत। क्या करना है यहाँ से, एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसके बदले क्लोरीन को बैठा देना है, ओके, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। चलिए देखिए मैकेनिज्म, देखिए ये क्या है आपका अल्केन्स है,
क्या बनाता है, फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत, फ्री रेडिकल सी एच एच, मैकेनिज्म देख रहे हैं, कोई दिक्कत, बॉन्ड तोड़ेंगे और आपका क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन है, क्या करेंगे देख लो, यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या हो गया जीरो, दोनों का इलेक्ट्रोनिविटी क्या है अप्रोक्सीमेट जीरो माने हैं, तो क्या हो गया हमारा ये आपका नॉन पोलर, कोई दिक्कत, नॉन पोलर, तो क्या फ्री रेडिकल इसको बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा, ये भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको सी एल सी एल, कोई दिक्कत, फ्री रेडिकल यहाँ भी क्योंकि डेल्टा ई एन आपका जीरो है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस दोनों में जीरो, तो क्या होगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से एच 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 फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत, अब ये दोनों ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में दोस्ती करेगा, कोई दिक्कत, इसको दोस्ती इससे करा दो, इसको दोस्ती इससे करा दो, कोई दिक्कत, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ये बन जाएगा एच एच सी एल, कोई दिक्कत, सी एल सी एल सी एल टू ही इन है, सॉरी एच सी एल एच सी एल, कोई दिक्कत, मैकेनिज्म क्या हुआ, ये एल्केन्स है, एल्केन्स मीन्स नॉन पोलर, मतलब दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या मान रहे थे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव अप्रोक्सीमेटली 0.4 आता है, तो क्या उसको जीरो मान रहे थे, तो क्या दोनों में इसका इसका इलेक्ट्रोनिटी इसका दोनों का जीरो, तो नॉन पोलर, तो क्या हमारा फॉर्मेशन, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो हमारा फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत, आपको एक फ्री रेडिकल दो फ्री रेडिकल, अब क्लोरीन यहाँ पे बैठा हुआ है, क्लोरीन है उसको दोनों का इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस विल बी जीरो जीरो, तो क्या होगा हमारा हो गया ये नॉन पोलर जीरो हो गया, तो क्या है दो फ्री रेडिकल एक दो, कोई दिक्कत, अभी दो फ्री रेडिकल आपस में दोस्ती कर लेगा, ये दोस्ती कर लेगा, कोई दिक्कत, ये दोस्ती नहीं करेगा, यदि दोस्ती करेगा तो वापस में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा, ओके, तो ये नहीं बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये और एस सी एल, दिस प्रोडक्ट विल बी, अब देखना है ये मेरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, देख लो एस सी एल ये प्रोडक्ट सही होगा मेजर ये, ओके डिसाइड करना है, अब देखना है बॉन्ड किसका मजबूत है, जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो होता है तो क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, जो बॉन्ड टूटेगा उसको बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज, कोई दिक्कत, जब नहीं होता है जीरो तो क्या होता है हेट्रोलाइटिक, इसमें भी क्या हो रहा है होमोलाइटिक मीन्स फ्री रेडिकल का जनरेशन, कोई दिक्कत होमोलाइटिक क्लीवेज, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप जीओसी कंप्लीट क्लास करें, कोई दिक्कत, दिस प्रोडक्ट कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ पे HCl इसका बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है डेल्टा ई एन निकालना है 2 पॉइंट, इसका होता है आपको 3, क्लोरीन का होता है 3 माइनस 2.1 कितना हो गया 0.9, और CH3Cl का निकाल लो, कार्बन का कितना होता है आपको 2 पॉइंट, ओके 3 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 0.5, सबसे ज्यादा इसका आ गया, सबसे ज्यादा इसका कम आ गया, कोई दिक्कत, मतलब मोर सबसे ज्यादा जिसका ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, क्या कहेंगे अट्रैक्शन ज्यादा, कोई दिक्कत, तो क्या कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसमें अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम, तो क्या कह सकते हैं कोई दिक्कत, वीकर बॉन्ड ये हो गया आपका वीकर बॉन्ड, कोई दिक्कत, आपको मेजर प्रोडक्ट आपका हो गया ये एस सी एल, कोई दिक्कत, जब दो प्रोडक्ट मिला इसमें दो प्रोडक्ट देख क्या देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, जिसका ज्यादा आपको ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके इसमें देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस विल बी हाई मोर अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनिक लेस इसके कंपेरिजन में, तो आपको वीकर बॉन्ड, मेनली प्रोडक्ट आपका एस सी एल, कोई दिक्कत,
बनेगा दोनों प्रोडक्ट, बट ज्यादा मात्रा में ये बनेगा कम मात्रा में ये। कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म यही हुआ, आपको अल्केन है, फ्री रेडिकल होगा, बॉन्ड टूटेगा, ओके, दो फ्री रेडिकल बनाएगा, एक आपका सी एल टू बैठा हुआ, एक फ्री रेडिकल, दोनों दोस्ती करेगा आपस में, दिस प्रोडक्ट को दिक्कत, राइट डाउन, वन आवर होगी, हाँ। राइट डाउन, नेक्स्ट टर्म है पोलर, ठीक है, समझ लेते हैं, ऐसे तो पढ़ा हुआ सबका, ठीक है, पोलर मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पोल, ठीक है, क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पोल, कोई दिक्कत, मीन्स एक प्लस और एक माइनस, कोई दिक्कत, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो एग्जांपल में सी सी एल, कोई दिक्कत, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा किसका है, आपको इसमें क्लोरीन का कार्बोनेट कार्बन से, कोई दिक्कत, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेस पॉजिटिव, कोई दिक्कत, डेल्टा ई एन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या कह सकते हैं, पोलर, कोई दिक्कत, इसमें क्या ये कंपाउंड है, पोलर, पोलर और नॉन पोलर, जब नॉन पोलर कब कहेंगे, जब हमारा डेल्टा जीरो रहेगा, तो क्या कहेंगे इसको, नॉन सॉरी हाँ नॉन पोलर, कोई दिक्कत, याद रखना, ठीक है, नॉन पोलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन या तो कार्बन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, ये क्या है, सब में डेल्टा ई एन जीरो, इसमें भी डेल्टा ई एन आपका जीरो, कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर, इसको पोलर, कोई दिक्कत, इसमें क्या हो रहा है बोलो, इसमें हो रहा है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक कब, जब डिफरेंट आइटम हो, ठीक है, सेम सेम, तो इसको क्या बोलेगा दोनों को, होमोलाइटिक, ठीक है, सेम, कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो रहेगा तो होमोलाइटिक कहेंगे, जब नहीं रहेगा जीरो तो हेट्रोलाइटिक, ओके, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, ओके, राइट डाउन, चलो स्टॉप।